यो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना पीएस गेमर्स। तो गाइस, पीएस गेमर की नई ब्रांड में सबका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए ऑनलाइन। तो गाइस, आज अपनी जीटीए ऑनलाइन का डे है 46। तो लास्ट वाली मिशन में हमने इंटेल मिशन किया था अपना कायरो पेरिको हीस्ट का, और आज हम उसके प्रिपरेशन मिशन करेंगे। तो अभी गेम स्टार्ट ही की थी, तो अभी हम सीईओ बने नहीं थे। तो गाइस, आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऐसी कमेंट्स करते रहा करो और प्यार देते रहने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। तो अपनी कसोटा हमने मंगवा ली थी और जल्दी से हम सबमरीन के अंदर एंटर करते हैं और इसके कोई ना कोई अप्रोच और फाइनल प्रिपरेशन मिशन करते हैं। तो भाई बहुत मज़ा आने लगा ये सारी वीडियोस में। बस आपका काम यही है कि आप रोज़ रेगुलर 6 बजे अपनी वीडियोस आ जाती है। और आप देखो, तो हम अपनी कार को यहाँ पर लैंड कर देते हैं बिल्कुल सेफली। पानी में लैंड नहीं करनी, नहीं तो पानी से कहीं और ही चले जाती है। ओके, तो इसका होवरबोर्ड डीएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लैंड कर देते हैं और चलते हैं अंदर को। गाइस, ये अपने रे भाई की थोड़ा एक्शन का स्टाइल है, ये रे भाई को बहुत पसंद है। थोड़ा डीसी कट्टे के साथ मज़ा आ जाता है गाइस ये थोड़ा एक्शन करने में। तो देखते हैं गाइस कौन कौन सी प्रिपरेशंस हैं इस बार हमें करनी को, क्योंकि थोड़ी बहुत ही ऑप्शनल होती है और थोड़ी बहुत ही मेन होती है। तो मेन ऑप्शन करेंगे, ऑप्शनल प्रिपरेशंस रहने देंगे। तो सबसे पहले है अप्रोच व्हीकल। तो अप्रोच व्हीकल में गाइस अपने पास 1 2 3 4 6 ऑप्शन है। इस पर ही भाई मैं सोच रहा हूँ सबमरीन वाली अप्रोच करते हैं। तो सबमरीन अप्रोच ही करते हैं, हमेशा हम लॉन्ग फिन करते हैं, दूसरी करते हैं। तो इस बार सोच रहा हूँ मैं ये वाली करते हैं। बस में भी थोड़ा मिशन है बाकी। भाई अपना 10 लाख का है दूसरा टारगेट और 8 लाख का अपना सेकेंडरी टारगेट। तो 18 लाख का अपना मिशन मिल जाएगा प्रॉपर। तो चलते हैं प्रहीस्ट प्रेप को सोर्स को साठ का। तो फॉर द मैरी वेदर टेस्ट साइड में जाना है। तो मैरी वेदर टेस्ट साइड भाई मेरे को पता ही है ना, पानी का मिशन है। तो सीधा हम सबमरीन से चलेंगे वहाँ पे और सीधा अपना काम ख़त्म करेंगे। तो गाइस ये देखो, ये बिल्कुल मिशन के बिल्कुल पास है ये स्पॉट, और सीधा हम फास्ट मोड से सीधा ट्रैवल करते हैं, सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये सबमरीन अपनी ट्रैवल हो रही है, क्योंकि ऐसे हम खुद ट्रैवल करके वहाँ जाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लगता है। बाकी ये 2000 लेते हैं तो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है 2000 देने से। तो हम 2000 से हमारा सबमरीन एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव हो जाती है। तो बिल्कुल सामने मैरी वेदर का हमें दिख जाएगा। तो काफ़ी भाई इसके अंदर मिसाइल्स भी हैं सबमरीन के अंदर। आज तक आपने मिसाइल्स देखी हैं बट किसी बंदे को मारते हुए नहीं देखा। आज आप देखोगे, मैंने आपको वीडियोस में पहले भी दिखाई है सबमरीन। तो इसको हम ना ड्राइव करते हैं, अब ड्राइव करते हैं और सामने आपको देखोगे मैरी वेदर की भी एक सबमरीन है। क्योंकि मिशन में क्या है कि ये सबमरीन के साथ हमने जाना है, बट हमें ना एक सोनार चाहिए जो कि मैरी वेदर की टेस्ट साइड में मिलेगा। तो वहाँ पर भी एक सबमरीन है मैरी वेदर वालों की, तो उस सबमरीन के अंदर से हमने वो सोनार को स्टील करना है। वैसे गाइस अगर आपको बताइए, हम सोनार वाला मिशन स्किप भी कर सकते हैं अगर हम 14 या 10 लाख का एक सोनार आता है, जो कि हमारी सबमरीन के अंदर भी लग सकता है। वो हमने अभी तक बाय नहीं किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो बाय करके फ़ायदा नहीं है, बस पैसे वेस्ट हैं। एक्स्ट्रा हो तो गाइस का आप बाय करो, तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिशन। बस आपको 160 का करोगे अप्रोच तो सीधा ही चल जाएगा। तो काफ़ी भाई का हेलीकॉप्टर, और देखो ये इसने टारगेट लॉक किया। और मैं आपको मिसाइल छोड़ के दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो मिसाइल यहाँ से भाई चलती है, हमें पता भी नहीं लग रहा पर मिसाइल जा रही है भाई। इसने सारे बोर्ड्स तो भाई सारी यहाँ से ही उड़ा दिए। तो सारे के सारे बोट अपनी तबाह हो गई। बस भाई हेलीकॉप्टर उसकी हमने परवाह करनी नहीं, हम अपनी कसोटा को अंडरग्राउंड लेके चलते हैं अंडर वाटर। तो ये देखो, ये अपनी है मैरी वेदर वालों की सबमरीन, अपनी जैसी सेम सबमरीन है, तो कोई फ़र्क नहीं है बस इसमें और हमारे में। एक बार थोड़ी सी मेरे को ये लग रहा है गाइस थोड़ी छोटी है, अपनी वाली ज़्यादा बड़ी है। देखो ना लेंथ में फ़र्क है। तो हम भाई थोड़े अमीर बंदे थे इसलिए हमने ज़्यादा बड़ी रखी हुई है, उनकी थोड़ी छोटी है। मैरी वेदर वाले गुंडे लोग हैं, उनको क्या ही करना। तो हम यहाँ से अब एग्जिट होते हैं और यहाँ पर चलते हैं अंडरग्राउंड और अंडर वाटर में। तो अपनी भाई सबमरीन में भी एक रास्ता होता है अंडर वाटर जाने का, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये अपना है मून व्हीकल ना, तो यहाँ से मैं एग्जिट हो नहीं सकता बिकॉज अभी इस टाइम अंडर वाटर में है इस टाइम हमारी सबमरीन। और यहाँ से हम डाउन जाएंगे
और यहाँ पर अपना दूसरा मूवी व्हीकल आता है जो कि अंडरग्राउंड सबमरीन है, एक छोटी सी सबमरीन होती है वो यहाँ से मिलती है। तो गाइस ये अपनी एग्जिट लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ से एग्जिट आ गया बिल्कुल। तो गाइस यहाँ से सीधा हम पानी के अंदर एग्जिट हो जाएंगे, तो जैसा आप देख सकते हो अब एग्जिट हो गया, तो सीधा सीधा अब इसी सबमरीन के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। ओके डन। वैसे गाइस देखने में सेम लग रही है, बट थोड़ी सी छोटी है, बट अपनी वाली ज़्यादा बड़ी है, बस इतना ही फ़र्क है। तो अभी इसके अंदर गाइस हमें गुंडे मिलेंगे, तो गुंडे गुंडे मारेंगे, थोड़े से मज़े करेंगे और एक छोटी सी चीज़ चोरी करनी है और यहाँ से चलेंगे। इजी मिशन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। और भाई देखो पानी आ रहा है, क्योंकि हमें ऊपर अभी सबमरीन पानी से अंदर आए ना, मैं गन निकाल लेता हूँ बस अपनी मज़ेदार वाली, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर गुंडे काफ़ी मिलेंगे अभी हम। तो सामने साथ ही गुंडों का नाम या गुंडे हासिल, एक गुंडे का तो हमने सीधा मार दिया। मैरी वेदर के भाई सारे के सारे गार्ड्स, और भाई ये देखो ये साइड में छुपा हुआ था, ये भाई चाहता था मुझे कब का मार सकता था, बट इसने मारा ही नहीं सही तरीके से। तो हमें थोड़ा भाई लोकेट करना पड़ेगा इधर उधर, तो सारी की सारी सबमरीन हमें सर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे देखो बिल्कुल सही, तो ये गुंडा था एक टकलू, और ये अपना देखो भाई सेम जैसे अपना है प्रिपरेशन रूम, जैसे हम इसमें आते हैं कुछ अपनी सबमरीन के अंदर, तो सेम यहाँ पर भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बाकी यार यहाँ के मैंने सारे गुंडे मार दिए, बट इसके अंदर लोकेशन थोड़ी कम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो कुछ कुछ सेम ही है। यहाँ दो बंदे थे, दोनों को मैंने मार दिया, बाकी इसका थोड़ी स्क्रीन भी डिफरेंट है, और इसके यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है, तो पीछे देखते हैं। बाकी अभी तक तो मिला नहीं मुझे सुनार, सुनार जैमर अभी तक नहीं मिला। ओके और ये भी है, ओके भाई मार मुड़ दिया बंदे ने, तो बिल्कुल यहाँ पे ही है सुनार, तो हमें दोबारा से आना पड़ेगा। तो भाई ये अपनी समरिन अपनी ऊपर आ गई है, तो इसी के अंदर क्या एंट्री करें क्या, नहीं ऊपर भाई सीधा अंडरग्राउंड चलते हैं, अंडरग्राउंड चलते हैं बिल्कुल, अपनी समरिन में क्या ही करेंगे हम। तो डी ब्रीथर हमने डाल दिया था समरिन के अंदर एंटर होते ही, तो भाई अब उस बंदे को मारना है, हमें लोकेशन पता लग गई है किधर है अपना सुनार जैमर, बस उस बंदे को मारूंगा मैं साथ ही ना, गन निकालूं बस अपने मज़ेदार वाली, बस उस बंदे को मारना है जिसने मुझे पिछली बार मारा है, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को अब। तो वैसे बिल्कुल इसके यहाँ से नीचे की लोकेशन आ रही है, बिल्कुल नीचे मैं मरा हूँ, तो यहाँ पर ना एक बंदा आया था पीछे से जिसने मुझे मार दिया, एक सामने वाला बंदा भी है और एक यहाँ पर भी बंदा था, वो दिख रहा है यहाँ पर कोई बंदा नहीं, बस वो सामने ही है बंदा, तो इसको तो एक हेडशॉट मारते बस। यहाँ पर और कोई भी था जिसने मुझे मारा, यहाँ पर गाइस दो बंदे, देखा गाइस ये देखा गाइस यही बंदा था गाइस जो छुप के जिसने मुझे मारा है, नहीं तो मुझे मैं मरना नहीं था नहीं तो बिल्कुल भी। तो ये अपना सुनार है, अभी तक हमने इसको स्टील ही नहीं किया, तो हमने उसकी लोकेशन फाइंड हो गई इसी चक्कर से। तो बस अब चलते हैं समरिंग से बाहर, अभी आ जाएगा एग्जिट द कसोटा। ओके एग्जिट द समरिंग, तो समरिंग से चलते हैं बाहर अपने को, बिल्कुल यहाँ से जितना हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। तो ओके यहाँ से बाहर ऑप्शन यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल इसी रास्ते से मैं अंदर आया था, नहीं रे भाई ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाके और यहाँ से एग्ज़िट। देखो इस यहाँ से एग्ज़िट होगा, और यहाँ पर इनसे ऑप्शन करना है कि अपनी को स्काटका में डिलीवर करो, तो हमारी अपनी ही समरी तो बिल्कुल ऊपर ही है, तो यहाँ पर ही हम डिलीवर कर देंगे। तो भाई काफ़ी इजी है, तो देखो अभी ग्लोबल सिग्नल भी आ गया है, उन यही अगर हमारी समरी दूर हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इजी भी है ये वाला मिशन करने का। तो साथ ही अपनी समरीन में हमने एंट्री मार दी और अपना मिशन यहाँ पर ही ख़त्म हुआ, तो मैं सिर्फ आने जाने का टाइम काफ़ी बच जाता है, बाकी मिशन थोड़ी मुश्किल है, बट ये मिशन सबसे इजी है, मतलब सबसे इजी अप्रोच है ये वाली कायरो पेरिको की। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट वाली कोई अप्रोच तो कौन सी करनी है अपने को।
बाकी भाई टारगेट अपना इस वाली काफ़ी सही मिल गया, रूबी नेकलेस में मिल गया अपने को, सब कुछ मिल गया। टोटल 18 लाख की लूट होगी, जिसमें से 2-3 लाख तो पवेल रख लेगा। तो नेक्स्ट वाली प्रेपरेशन करते हैं प्लाज्मा कटर। तो प्लाज्मा कटर से गाइस ये आपको मैं बता देता हूँ प्लाज्मा कटर का क्या रोल है। प्लाज्मा कटर से हम जो रूबी नेकलेस देखा आपने, कोई एक शीशे के केज के अंदर है, तो वो केज के अंदर है ना, तो वो केज के अंदर से क्या होगा, हम उसको करेंगे चोरी। तो प्लाज्मा कटर से ना हम शीशे को थोड़ा तोड़ देंगे और जिसके अंदर से हम चोरी कर लेंगे। समरिंग को हमने फिर अपनी लोकेशन में वापस ले आए हैं। भाई ये जो अभी साउंड आती है ना, ये वाली मस्त आती है, मैं समरिंग की ना ये जो साउंड आती है काफ़ी मज़ेदार साउंड है ये। तो हम यहाँ से ड्राइवेबल से हट जाते हैं और चलते हैं ऊपर, अपना स्पैरो ले जाते हैं। स्पैरो इजी है क्योंकि मुझे पता है मेरी जो कार थी वो तो चली गई अपने स्टोरेज के अंदर दोबारा से, तो स्पैरो से ही हम एग्जिट करते हैं और स्पैरो से चलते हैं अपनी लोकेशन में। प्लाज्मा कटर के लिए भी काफ़ी बंदे बंदे लगता मारने ही पड़ेंगे, कोई भी मिशन यहाँ बंदे मारने के बगैर तो अपने पास होता ही नहीं। प्यार से गाइस आज तक मैंने कोई नहीं मिशन देखा कि जो इतने प्यार से हो रहा हो, हर चीज़ में यहाँ पर कोई ना कोई बंदे बंदे या मुझे मारने आ जाएंगे या मुझे मारने पड़ेंगे, ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है बस। बाकी मोर्स म्यूचुअल देखूं, मेरी कार डिस्ट्रॉय हो गई है कि स्टोरेज में चल गई है। द गाइस डिस्ट्रॉय हो गई है कार, वो है ना गाइस उस समरिंग के ऊपर मैंने खड़ी की थी ना, तो समरिंग के ऊपर खड़ी करने के बाद क्या हुआ, मैं समरिंग को ड्राइव करके दूसरी लोकेशन में ले गया तो वो कार उधर ही रह गई, तो वो पानी के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई, यही हुआ चक्कर सारा का सारा। तो ओके हम अपनी लोकेशन में आ गए हैं, तो यहाँ से हमने प्लाज्मा कटर को चोरी करना है, तो सेफ हाउस में पहले जाना है। ओके भाई यार, एक तो यार यहाँ पर मेरा स्पैरो उस टाइम काफ़ी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, प्लीज़ 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 आराम से इसको लैंड कराओ। बाकी भाई इसके पंखे थोड़े से थोड़े ख़राब हो गए, अभी ज़्यादा टाइम वास्ते उड़ नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम ही के लिए उड़ेगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या मिशन है अपना। भाई रे भाई जिस हिसाब से अंदर बढ़े ना, तो मुझे पक्का पता है अंदर एक दो गुंडे तो होंगे ही होंगे जो सीधा सीधा गोली मारेंगे। नहीं भाई सारा खाली है, यहाँ पर कोई भी है ही नहीं, इजी। तो गाइस ये रहा टेक आउट द फोटो ऑफ द प्लानिंग बोर्ड, तो प्लानिंग बोर्ड की हमने फ़ोटो लेनी है यहाँ पे। और सिट सेंड किसको करनी, पवेल को, क्या तो पवेल को सेंड कर देते हैं और यहाँ से एग्जिट चलते हैं। ये हमें अभी प्लाज्मा कटर के को लगता है लोकेशन बता देगा पवेल, तो हम सीधा वहाँ पर जाके सीधा चोरी करेंगे और समनिंग में डिलीवर कर देंगे। तो गाइस मैंने अपनी डिलक्सो मंगवा ली है क्योंकि अपना जो प्लेन था वो तो हेलीकॉप्टर वो तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते मगर बट अब ज़्यादा टाइम उड़ेगा नहीं। और ये अपनी मुझे काफ़ी पसंद काफ़ी, जबकि गाइस मैंने ये ली है ना, तो मैं तो अब सोचो मैं चलाता ही ना, और प्रेसर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि प्रेसर सारे सबको भाई सबका फेवरेट चीज़ है, और प्रेसर GTA ऑनलाइन की दुनिया में प्रेसर सबसे फेवरेट वाला है। बट गाइस सिर्फ ओप्रेसर में ना एक चीज़ बस थोड़ी डिफरेंट रहती है अपनी, कि वो ना कवरेबल नहीं है, मतलब कभी भी बंदा ना हमें मार सकता है आराम से। बट ये कार के अंदर रह के ना थोड़ा कवर तो रहता है, ये चाहे थोड़ा स्लो चलती है, ओप्रेसर थोड़ा इससे फास्ट चलता है, बट सही है यार, मज़ेदार चीज़ है। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आई स्टील द प्लाज्मा कटर, तो यहाँ पर ही कोई काम कर रहे होंगे, तो सीधा ही हमने प्लाज्मा कटर को स्टील करना है। तो भाई ऊपर से गुंडे आ गए इधर भी, तो गुंडों को मारने के लिए तो भाई अपनी कार ही काफ़ी है, सीधा बस दो मिसाइल्स मारो और सारे गुंडे ख़त्म। तो गुंडे गाइस अपने सारे मर गए हैं, तो जल्दी जल्दी से स्टील करते हैं प्लाज्मा कटर को।
तो भाई दो गुंडे और आ रहे हैं पीछे, दो कार्स और आ गई गुंडों की, तीन कार्स आ गई टोटल अब। एक दो तो गाइस तीन, तीन मिसाइल्स के साथ ये हो गया। तो बिल्कुल सामने है, यहाँ पर था तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ से इसको यहाँ से चोरी कर लिया है और इसका होर वो एक्टिव करके अब जल्दी से डिलीवर कर देते हैं। कार से भाई हमने उठा लिया, हमें उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी ये दो गुंडे देख रहे हैं, ये मेरा पीछा कर नहीं सकते वैसे तो, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ इनको मार मूर देते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा इनको मारने में, मुझे को मारने में भाई गुंडे मारने में बड़ा मज़ा आता है। ओके तो ये देखो भाई कितना तेज कार चला रहा है, मतलब मेरी मिसाइल्स को पकड़ ही नहीं पा रही, इतनी भाई तेज कार चला रहा है। देखो तीन मिसाइल मारी भाई बंदों को, तो ये भागता रह रहा है, इतना तेज तेज भाग रहा है, मतलब मिसाइल उसको छू ही नहीं पा रही। बट कोई नहीं भाई, हम भी पक्के बंदे हैं, हमने भी मार के रहा है सबको। तो देखो दो कार्स और आगे गुंडों की, बट हमें अब नहीं मारना, हमें वो पानी में पकड़ नहीं पाएगा, तो गुंडे जो मर्जी करते रहे, हमें अब कोई उसका लेना देना नहीं है। हम अपनी समरी यहाँ पर डिलीवर करते हैं। और बाकी भाई काफ़ी फोगी वेदर हो गया यहाँ पर GTA ऑनलाइन की दुनिया में, तो मतलब लॉस एंटर्स में काफ़ी फोगी वेदर हो गया है, तो विजिबिलिटी भी अपनी कम हो गई है। बाकी भाई हम बस ये डिलीवर करते हैं और ये अपना मतलब मशीन ख़त्म करते हैं। जाके देखो ये पानी के ऊपर भाई चल तैरती है ना, ये चीज़ मेरे को बड़ी बेस्ट लगती है कार की। ओके तो अब इसका मैं होवरबोर्ड यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूँगा, क्योंकि भाई अभी हमने 10,000 खर्चा है अभी ताज़ा ताज़ा इसको इंश्योरेंस से, तो भाई बिल्कुल सही करने का इस मैंने कर दिया था। और चलते हैं अंदर और इसको डिलीवर कर देते हैं। तो गाइस ही स्प्रैप कंप्लीट, प्लाज्मा कटर डिलीवर्ड। तो गाइस अपने दो प्रिपरेशन अपनी हो गई है कायरो पेरिको हीस्ट की। तो अगर गाइस आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। ऐसे ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, टेक केयर गाइस।